हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनगुक तियांग से बहुत प्यार करता है, तियांग भी जनगुक से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तियांग जनगुक को सिर्फ अपना डैड मानते हैं। तियांग जनगुक की सन है। जनगुक कहता है, तियांग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है, डैडी मुझे बाहर घूमने के लिए जाना था मेरे दोस्तों के साथ, क्या मैं जा सकता हूँ? जनगुक कहता है, हाँ ठीक है तुम चले जाना, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ? तियांग कहता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हमारे दोस्त होंगे, आप अगर आएंगे तो सब लोगों को बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होगा ना। सॉरी डैडी, मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त आपको देखकर अनकम्फर्टेबल फील करें, प्लीज़ डैडी आप समझिए। तियांग बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था। जनगुक तियांग से कहता है, हाँ ठीक है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तियांग कहता है, डैडी क्या आप नाराज़ हो गए हो मुझसे? मुझसे प्लीज़ नाराज़ मत होना, क्योंकि आप अगर मुझसे नाराज़ हो जाओगे ना तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। जनगुक कहता है, मैं तुमसे नाराज़ थोड़ी हूँ। ठीक है, तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, वो दोस्तों के साथ फार्म हाउस जा रहे हैं। जनगुक कहता है, हाँ ठीक है तो चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ मुझे प्रॉमिस करो तुम अपना ध्यान रखने वाले हो और खाना टाइम से खाओगे। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, आप मुझे लेकर इतना टेंशन मत कीजिए, मुझे पता है मॉम नहीं है ना, इसलिए आपने हमेशा मुझे मॉम की तरह और डैड दोनों की ही प्यार दिया है, आप बहुत अच्छे हो डैडी। तियांग जनगुक को हक करता है, लेकिन जनगुक तियांग को टाइटली हक करते हैं। जनगुक की इस तरह से हक करने से तियांग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। जैसे जनगुक समझ जाते हैं, वो तियांग को छोड़ देते हैं। तियांग वो जनगुक को बोलते हैं, ठीक है मैं बैग पैक कर लेता हूँ। जनगुक कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास काम होंगे ना, आप मुझे लेकर इतना टेंशन मत कीजिए, मैं अपना बैग पैक कर लूँगा, ऐसे भी मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं लेना है। जनगुक कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम मना कर रहे हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तियांग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। जनगुक कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा बहुत मतलब नहीं था, इट्स ओके, तो मैं चलता हूँ, मुझे मीटिंग पर जाना है। उसके बाद जनगुक यहाँ से चले जाते हैं। तियांग अपना बैग पैक कर लिया था, उसको सुबह के ही निकलना था, वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहे हैं। तियांग तो बहुत ही खुश है। तियांग पूरा दिन जनगुक का इंतज़ार किया है, उसको बहुत बार कॉल भी किया था, लेकिन जनगुक ने तियांग का कॉल नहीं उठाया है। तियांग अब इंतज़ार कर करके रात को सो गए। जनगुक मिड नाइट को घर वापस आते हैं, उसके बाद वो तियांग से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाते हैं। तियांग सो चुके थे तो जनगुक ने तियांग को नहीं उठाया, उसने अपना फ़ोन चेक किया, तियांग ने बहुत बार कॉल किया था, आखिर जनगुक ने अपने फ़ोन को साइलेंट करके रखा था। उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो तियांग के साथ क्या बात करेगा जनगुक को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए जनगुक ने अपने फ़ोन को साइलेंट करके रखा था। लेकिन अब जब तियांग को सोते हुए देखा है जनगुक, जनगुक को तियांग को बहुत ही प्यार देने का मन कर रहा था। जनगुक तियांग को देखकर कहता है, यू आर माई एंजल, उसके बाद उसकी लिप्स की तरफ देखते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए वो अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। जनगुक खाना नहीं खाया था, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, तियांग पहली बार उसको छोड़कर अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहे हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए। जनगुक कैसे रह पाएगा तियांग के बिना, वो तियांग के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं, और वो कुछ दिनों के लिए कहीं और रहने वाले हैं, वो भी जनगुक के बिना, कैसे तियांग ने ये डिसाइड कर लिया है। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को जैसे ही तियांग नींद से उठ जाते हैं, वो फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं और जनगुक के रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जनगुक अभी भी सो रहा है, तो तियांग जनगुक को उठाना सही नहीं समझा, क्योंकि जनगुक बहुत लेट करके सो गए थे, इसलिए तियांग ने एक चिट्ठी छोड़ दिया और अपने बैग लेकर बाहर निकल गए अपनी टूर के लिए। तो फिर जैसे ही जनगुक नींद से उठते हैं, वो देखते हैं कि जनगुक के पास एक चिट्ठी है जहाँ पर तियांग ने लिखा है, सॉरी डैडी, मुझे लेट हो रहा था और आप सो रहे थे, मुझे सही नहीं लगा कि मैं आपको नींद से उठा दूँ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है मैं जल्दी ही आ जाऊँगा और मुझे मिस मत करना। जनगुक इस चिट्ठी को देखकर उसको और भी गुस्सा आने लगता है, तियांग ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तियांग अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुश था,
वो लोग जैसे ही अपनी प्लेस पर पहुंच जाते हैं, सब लोग मिलकर तियांग को चिढ़ाने लगते हैं। तियांग, आज तो तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। देखो, आज तो तुम्हें यूंगी प्रपोज करने ही वाले हैं। जिमिन की बात सुनकर तियांग कहता है, ए तुम क्या बोल रहे हो? यूंगी मुझे क्यों प्रपोज करेगा? यूंगी तो तुम्हें पसंद करता है ना। देखो, ऐसे भी मुझे यूंगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन कहता है, मैं तो चाहता हूँ यूंगी मुझसे कहे, लेकिन मैंने सुना है यूंगी आज तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं। तियांग, अगर वो तुमसे अपने दिल की बात कहेगा, क्या तुम उसको हाँ कर दोगे? तियांग कहता है, ए तुम क्या बोल रहे हो? मुझे लगा था कि यूंगी तुमसे प्यार करता है, तुम भी यूंगी से प्यार करते हो। मैं बीच में कहाँ से आ गया? वैसे कहो तो मुझे जेहो पसंद है, यूंगी नहीं। जिमिन कहता है, थैंक गॉड कि तुम यूंगी को पसंद नहीं करते हो। अगर वो तुम्हें प्रपोज करेगा ना, तो तुम प्लीज मना कर देना, वरना वो तुम्हारे साथ ही शादी करने का फैसला कर लेगा, तो मेरा क्या होगा? त्यांग कहता है, ओ जिमिन, तुम इस तरह से मत सोचो ना। यूंगी तुम्हें ही प्रपोज करेगा शादी के लिए, देखना तुम। जिमिन कहता है, आई होप सो, लेकिन मुझे जितना लगता है वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत ही काइंड है। त्यांग कहता है, हाँ वो तो मुझे अपना छोटा भाई मानता है ना, इसलिए। जिमिन कहता है, हाँ तो फिर ठीक है। यहाँ पर जिहुप आकर सबके सामने तियांग को डेट के लिए पूछ लेते हैं। तियांग कहता है, यूंग आप सच में मुझे पसंद करते हो? तो जिहुप कहता है, हाँ तियांग तुम मुझे बहुत पसंद हो, और आज जब मैंने तुम्हारे मुँह से सुना है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो मुझे लगा मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं इतने दिनों से नहीं बोल रहा था, लेकिन अब मुझे बोलना चाहिए। तियांग, आई रियली लाइक यू। तियांग, क्या तुम मेरे साथ डेट करने वाले हो? तियांग कहता है, हो भी आप मुझे बता रहे हो या फिर डेट के लिए पूछ रहे हो? तो जिहोब कहता है, मैं तुम्हें डेट के लिए पूछ रहा हूँ तियांग। तियांग हाँ कर देता है। जिमिन कहता है, थैंक गॉड कि तुमने जिहोब का हाँ कर दिया। यहाँ पर यूंगी सुनकर उसका दिल ही टूट जाता है, वो तियांग को पसंद करता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो जिमिन कहता है, क्या हुआ यूंगी? आप तो तियांग ने किसी और को चुन लिया है डेट के लिए, क्या अभी भी तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं करने वाले हो क्या? तुम्हें तो शादी करना है ना, तो मुझसे नहीं शादी करोगे क्या? तो यूंगी कहता है, जिमिन मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देखता हूँ, मुझे इसके लिए सोचना पड़ेगा। जिमिन कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मेरे मुँह के सामने ही तुमने इस तरह से कह दिया, तुम बोल सकते थे ना। हाँ ठीक है, यूंगी कहता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में उस तरह से सोचा नहीं है। तियांग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगा कि वो मेरे लाइफ पार्टनर के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जनकुक तियांग को देखने के लिए उसका पीछा करते तो यहाँ पर आ गया था, उसने तियांग का लोकेशन ढूंढ लिया था। जनकुक यहाँ पर आने के बाद तियांग को जिहोब के बाहों में देखते हैं। जनकुक को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, आखिर तियांग किसी और के बाहों में कैसे जा सकते हैं? तियांग सिर्फ मेरा है, आई रियली लव हिम। और यहाँ पर जिहोब तियांग की होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे, किस करने के लिए थोड़ा सा ही देर था कि जनकुक अब उन दोनों को रोकने के लिए तियांग की फ़ोन पर कॉल करने लगे। जैसे ही रिंग बज उठे, तियांग ने अपने फ़ोन की तरफ झुका और फ़ोन को देखकर कहा, डैडी ने कॉल किया है। होबी, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे कॉल रिसीव करना होगा, डैडी ने कॉल किया है और मैं डैडी की कॉल को आंसर की बिना नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद तियांग तुरंत जनकुक की कॉल को रिसीव कर लेता है। जनकुक तियांग की ऐसे बिहेवियर को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। आखिर जनकुक तियांग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो उसके कॉल को देखने के बाद होबी को भी छोड़ दिए और फ़ोन के पीछे लग गए और बोला, डैडी क्या हुआ, आप कब उठे? और आप सो रहे थे ना, सॉरी कि मैंने आपको नहीं उठाया, कहीं आप नाराज़ तो नहीं हो ना? जनकुक कहता है, लेकिन तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना, मैं तुम्हें जाने के टाइम पर गुड बाय भी नहीं बोल पाया। तियांग, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था, आई रियली मिस। इससे पहले कि जनकुक अपनी बातों को पूरा करते, तियांग कहता है, मिस यू टू डैडी, मुझे आपकी याद बहुत आ रहा था। मैं जब घर से बाहर निकला ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे आपको उठा देना चाहिए था। मुझे लगा कि आप बहुत थक गए होंगे, आपने बहुत ही काम किया था, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरा मन करे कि मैं अभी आपके गले लग जाऊँ। जनकुक कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है,
क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ तो? जनकू की बात सुनकर त्यांग कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसे भी मैं कुछ दिन बाद आने ही वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। डैडी, मैं कॉल रखता हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, आप ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है? जनकू कहता है, तुम्हें कैसे पता है कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है? त्यांग कहता है, मुझे पता है आप मुझसे बात किए बिना ब्रेकफास्ट नहीं करते हो। जनकू कहता है, अगर इतना ही जानते हो तो तुम्हें मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। त्यांग कहता है, हाँ इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है डैडी, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगा। पहली बार मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेना है। अब मुझे यहाँ पर आना था और मैं जिसके लिए आया था वो मुझे मिल गया है डैडी। मैं वापस आने के बाद आपके साथ शेयर करूँगा। त्यांग की बात सुनकर जनकू को बहुत झटका लगता है। जनकू मन में कहता है, क्या वो जेहोप की बातें कर रहे हैं? क्या वो उसके साथ डेट करने वाले हैं, उसको पसंद करता है, वो एम मुझसे शेयर करना चाहता है? नो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि त्यांग सिर्फ मेरा है और मैं त्यांग को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। आई रियली लव हिम। जनकू त्यांग के लिए अपना जान दे सकते हैं। और यहाँ पर जेहोप जितने दिन तक त्यांग के साथ रहे ना, वो तो त्यांग को किस करने के लिए हमेशा ट्राई करते रहे, लेकिन किसी न किसी बहाने से त्यांग से दूर होते गए, क्योंकि जनकुक ने ही ऐसा कुछ किया है जिससे कि जेहोप त्यांग को किस कर ही नहीं पाया। कभी कॉल कर देते हैं, कभी ऐसा कुछ करते हैं कि दोनों अलग हो जाते हैं। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जेहोप कहता है, ये मेरा बैड लक है, हम दोनों साथ में इतने दिन तक थे, 1 वीक के बाद भी हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, एक किस भी नहीं कर पाए। त्यांग शय फील करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन आगे बहुत सारे मौके आएंगे जब हम दोनों साथ में होने वाले हैं। होबी, तो मुझे अभी घर जाना है, डैडी ने मुझे बहुत मिस किया और मैंने भी डैडी को बहुत मिस किया है। मैंने इससे पहले डैडी से इतने दिन तक दूर नहीं रहा, 7 डेज, आई कैन बिलीव दिस। जेहोप कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे अब एक हक तो कर ही सकते हो ना? और इसके बाद त्यांग को हक कर लेते हैं। यहाँ पर जनकू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो आँख बबूला हो रहे थे, लेकिन त्यांग जेहोप को कहता है, तो मेरा अब जाने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, बाद में टाइम निकल कर मिलते हैं, ठीक है? जेहोप कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा और मैं तुम्हें एड्रेस भी सेंड कर दूँगा, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना। त्यांग कहता है, ठीक है, गुड बाय। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जिमिन युंगी के साथ ही चले आते हैं। युंगी जिमिन से कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिमिन कहता है, सो बोरिंग, हम दोनों साथ में हैं, रोमांस करना चाहिए था, बारिश का मौसम है और तुम हो कि मुझे ये बोल रहे हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। युंगी, क्या तुम मैड हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? त्यांग जेहोप को पसंद करता है, तुम्हें नहीं, और मैं तुम्हारे लिए मरता हूँ, और ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम त्यांग से प्यार करते हो, तुम कैसे इंसान हो? युंगी कहता है, जिमिन ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। यहाँ पर युंगी जिमिन को मनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर त्यांग जैसे ही घर वापस आ जाते हैं, वो जनकुक को ढूंढने लगते हैं। जनकुक वो पहले ही आ गए थे, त्यांग से भी पहले, और त्यांग जाकर जनकुक के रूम में चले गए। देखा कि जनकुक अपने बेड पर लेटा हुआ है। त्यांग जनकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ डैडी, आप सो क्यों रहे हो, वो भी इस टाइम पर, आप ठीक तो हो ना? जनकू कहता है, आई एम फाइन, तुम अब अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं कुछ देर बाद ही बाहर आता हूँ, ठीक है? त्यांग कहता है, लेकिन आप मुझसे नाराज़ हो क्या? जनकू कहता है, नहीं तो। तो त्यांग कहता है, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुझे फ्रेश होने के लिए, वरना आप तो हमेशा जब भी मैं बाहर से घर वापस आता हूँ मुझे हक कर लेते हो, तो इस बार क्यों नहीं किया? उठो और मुझे हक करो। जनकू कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम बाहर से आए हो ना, तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, ऐसे भी वायरस चल रहे हैं और तुम ऐसे भी बाहर बारिश भी हो रहा था तो तुम्हारे सर भीग गए होंगे, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। त्यांग कहता है, लेकिन आपके बाल गीले कैसे हैं, क्या बाहर गए थे क्या? जनकू थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उसके बाद कहता है, वो मैं अभी शावर लेकर आया हूँ ना, इसलिए तुम अपने रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में बाहर आता हूँ, हॉल में मिलते हैं। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद त्यांग अपने रूम में चले जाते हैं। वो बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं, आखिर जनकू को हो क्या गए हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि तियांग जंगकुक से इतने दिन तक दूर रहे, इसलिए जंगकुक तियांग से नाराज है? उसके बाद तियांग कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जंगकुक वो अपने सूट पहनकर ही चादर ओढ़कर सो गए थे ताकि तियांग को शक न हो, लेकिन तियांग तो जंगकुक पर शक करने ही लगा था क्योंकि जंगकुक ने ऐसा पहली बार किया है। उसके बाद जंगकुक और तियांग दोनों ही कपड़े चेंज करते हुए वो बाहर आ जाते हैं हॉल में। तियांग जंगकुक को कहता है, क्या आप अभी भी मुझसे नाराज़ हो? जंगकुक कहता है, किसने कहा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? तियांग कहता है, तो आपने मुझे गले क्यों नहीं लगाया? तो फिर जंगकुक ने तियांग को जाकर हक कर लिया और बहुत ही बुरी तरह से उसको टाइटली हक किया था। तियांग जंगकुक को हक करने के लिए कहा था, लेकिन इस बार की हक बहुत ही अलग लग रहा था। इससे पहले भी जंगकुक ने तियांग को हक किया है, लेकिन जाने से पहले भी जो तियांग को जंगकुक ने हक किया था वो भी थोड़ा सा अजीब सा ही था। आज तो हाथ ही पर कर दिया। जंगकुक ने तियांग को बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहे थे और उसकी नेक पर किस कर दिया। तियांग शॉक हो गए और जंगकुक से अलग हो गए। जंगकुक तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों होने लगे? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग तियांग कहता है, डैडी ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आपने मेरे नेक पर किस क्यों किया? तो जंगकुक कहता है, क्यों, मुझे नहीं करना चाहिए था क्या? तो फिर तियांग कहता है, लेकिन आप इस तरह से मुझे किस नहीं कर सकते हो डैडी, आपको तो पता ही कि हम सन और फादर है ना? तो तियांग की बात सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, किसने कहा? मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, समझ गए? और तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तियांग इससे पहले कि तियांग जीहोप के बारे में बोलते, जंगकुक ने ही अपने दिल की बातें बोलना शुरू कर दिया। तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन इस तरह से मुझे पता नहीं था, और आप मेरे फादर हो। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारा कोई फादर नहीं हूँ, समझ गए ना? मैं तुम्हारा स्टेप फादर हूँ, मैं तुम्हारा रियल फादर नहीं हूँ। और ऐसे भी तुम्हारे मॉम के साथ ना मेरे कोई रिश्ता नहीं था, मैंने बस ऐसे ही शादी किया था बस तुम्हें अपना नाम देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे मॉम बहुत ही बीमार थे और तुम्हारे डैड बहुत पहले ही तुम्हारे मॉम को छोड़ दिया था, वो शराब पीने की वजह से उनके भी मौत हो चुके थे, तो मुझे तुम्हारे मॉम को शादी करना पड़ा। तुम्हारे मॉम मुझसे बहुत बड़े थे, मैंने बस उनको अपना नाम दिया ताकि तुम और तुम्हारे मॉम मेरे घर में रहकर सेफ रह सको, लेकिन तुम्हारे मॉम के गुजर जाने के बाद मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हें वो नहीं दिखाई देता है क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक फादर की तरह नहीं, मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ तियांग, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपना डैड माना है, तो अब मैं आपको कैसे अपना हस्बैंड मान लूँ? जंगकुक कहता है, क्यों नहीं देख सकते हो तुम मुझे, मुझ में तुम्हारे हस्बैंड को? हाँ क्या जेहोप तुम्हारे लिए सब कुछ है? तुम और जेहोप साथ में क्या खुश रह सकते हो क्या? सिर्फ पसंद ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार सब कुछ होता है, और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग तियांग कहता है, आपको कैसे पता चला कि जेहोप और मैं? कहीं आप मेरा पीछा करते हुए वहाँ पर तो नहीं आ गए थे ना? इसका मतलब आप भी आज ही वापस आए हो और इसीलिए आपने चादर ओढ़कर सो गए थे। मैं भी तो कहूँ, इस टाइम पर आप सो कैसे सकते हो? तो आप मेरा पीछा कैसे कर सकते हो? क्या आप मुझको शक करते हो? जंगकुक कहता है, वही हुआ ना जो मुझे शक था, तुम मुझे छोड़कर पहली बार 7 डेज के लिए बाहर गए और वहाँ पर जाकर अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, वो भी उस जेहोप को जो तुम्हारे साथ बिल्कुल सूट नहीं करता है, तुम सिर्फ मेरे साथ सूट करते हो, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तियांग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे ही प्यार करो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा, यू नो दैट। तियांग कहता है, सॉरी डैडी, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैंने हमेशा आपको अपना डैड माना है, अब मैं आपसे उस तरह से प्यार कैसे कर लूँ और शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे जेहोप अच्छा लगता है, और अगर मुझे शादी करना है तो मैं जेहोप से करूँगा, आपसे नहीं। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप मुझे इस तरह से प्यार करते हो। हाँ मुझे कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा था आपकी टच से, आज मुझे पता चला वो क्यों है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।
तो त्यांग की बात सुनकर जनकू बहुत ही टूट जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? त्यांग कहता है, हाँ मुझे ऐसा जाना होगा डैडी, क्योंकि आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं, और इसके बाद तो मैं आपके साथ रह भी नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत ही ऑकवर्ड सा लग रहा है। त्यांग ने अपने बैग्स को अभी तक अनपैक नहीं किया था। उसको पकड़ते हुए वो इस घर से निकल जा रहे थे। जनकुक ने त्यांग को रोकने की कोशिश भी किया, लेकिन त्यांग जनकुक से कहता है, मैं आपको फादर मानता हूँ और आप मुझे अपने हस्बैंड बनाना चाहते हो तो यही सही रहेगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। आप मेरे बारे में कभी सोचना मत और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। जितना हो सके मुझसे दूर रहना। त्यांग की बातों से जनकुक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जनकुक त्यांग से इतना प्यार करता है, उसको हार्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको भूल भी नहीं पाएगा। अब जनकुक क्या करेगा, उसको बहुत ही अजीब सा फीलिंग आ रहा था। क्या वो त्यांग को जेहुक के पास जाने देगा या फिर त्यांग को अपने पास रोक लेगा, उसके साथ फोर्स करेगा? लेकिन नहीं, जनकुक ने त्यांग को जाने दिया। जनकुक मन में यही सोचता रहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है और मैंने इतने दिनों से जो महसूस किया है, त्यांग मुझसे प्यार करते हैं, तो त्यांग मेरे पास वापस लौट कर आएगा। वो मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, मुझे पता है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। तो त्यांग जेहुक के पास चले जाते हैं। जेहुक त्यांग को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं, त्यांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ लिविंग में रहना चाहते हो? त्यांग कहता है, हाँ। तो जेहुक कहता है, चलो अंदर आ जाओ, ऐसे भी मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम और मैं साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, एक दूसरे को जान पाएंगे, ऐसे भी हमने एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें नहीं किया है ना? त्यांग कहता है, हाँ मैं इसीलिए यहाँ पर आ गया हूँ। कहीं आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जेहुक कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? उसके बाद त्यांग को हक करने ही वाले थे, त्यांग ने जेहुक को रोक दिया। जेहुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम बाहर से आए हो, बहुत थक गए होंगे, चलो मैं तुम्हें हमारे रूम में लेकर चलते हैं। त्यांग कहता है, क्या मुझे अलग रूम मिल सकता है क्या? जेहुक कहता है, क्या अलग सा रूम, लेकिन क्यों? तो त्यांग कहता है, वो मुझे कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अलग सा रूम चाहिए रहने के लिए, जैसे ही मुझे लगे कि मुझे आपके रूम में शिफ्ट हो जाना चाहिए, मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। जेहुक कहता है, मुझे तुम्हारे डिसीजन पर रिस्पेक्ट है, ठीक है जैसा तुम कहते हो। उसके बाद त्यांग को एक अलग सा रूम दे देते हैं। त्यांग उस रूम में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। अब से त्यांग और जेहुक एक ही घर में रह रहा था। जनकू को जैसे ही इस बारे में पता चला, जनकू को बहुत हार्ट टचिंग लगा। जनकू ने खाना पीना छोड़ दिया था, वो बहुत ही बीमार पड़ने लग गए थे। डिंग करने के अलावा जनकू खाना नहीं खा रहा था। यहाँ पर त्यांग को भी चैन नहीं मिला था। वो जेहुक के साथ तो था, लेकिन जेहुक के साथ उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो जनकू को बहुत मिस कर रहा था। आखिर में त्यांग को 2 दिन के अंदर ही पता चल गया आखिर में त्यांग के लिए जनकू क्या मायने रखता है। उसके बाद त्यांग ने डिसाइड कर लिया, वो जनकू के पास लौट आएगा। जेहुक कहता है, क्या तुम जाने वाले हो, लेकिन क्यों? त्यांग कहता है, सॉरी हुबी, मुझे आपसे प्यार नहीं है। आई रियली लाइक यू, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, मुझे किसी और से प्यार है। जेहुक कहता है, किसी युंगी से? त्यांग कहता है, नहीं, मुझे अपनी डैडी से प्यार है। जेहुक कहता है, हाँ वो तो सबको है, लेकिन तुम अपने डैडी के पास वापस जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक ही बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो। त्यांग कहता है, क्योंकि मैं अपने डैडी से उस वाला प्यार करता हूँ जो आपसे नहीं करता हो, मुझे उनसे शादी करना है। जेहुक कहता है, आर यू मैड, वो तुम्हारा फादर है। त्यांग कहता है, नहीं, वो मेरा फादर नहीं है, मेरा रियल फादर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो एक्सपायर हो चुके हैं, और मेरे मॉम भी नहीं रहे, और वो मेरे स्टेप फादर है जिनके साथ मेरी मॉम की कोई रिश्ता नहीं था, बस ऐसे लोगों को दिखाने के लिए शादी किया था मुझे उनका नाम देने के लिए। जेहुक ने त्यांग की आंखों पर जनकू के लिए वो प्यार देखा है। तो त्यांग से कहता है, तुम एडल्ट हो और मैं तुम्हारी डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम जो चाहते हो तुम जाकर वो अपना बना लो, तुम अपने डैडी से शादी करना चाहते हो ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेट्स गो। उसके बाद त्यांग जनकू के पास आ जाते हैं। जनकुक सुबह पर बैठा हुआ था, उसने बहुत सारा डींग कर लिया था। ज़्यादा डींग करने की वजह से जनकुक की हालत खराब हो गए थे, उसने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। त्यांग जनकुक की इस हालत में देखकर
उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और वो जनकू के पास जाकर कहता है, डैडी आपको क्या हो गया है और आप ऐसे क्यों बन गए हो? देखा आपने क्या हालत बनाया है। जनकू तियांग को देखकर टाइटली हग कर लिया और तियांग से कहा, तुम वापस आ गए, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? तियांग कहता है, नहीं मैं सच में आ गया हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है मैं अभी आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको दुआ से नहीं छोड़कर जाऊँगा। तियांग की बात सुनकर जनकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। तियांग भी जनकुक को टाइटली पकड़ लिया। उसके बाद उन दोनों के बीच में लॉन्ग टाइम तक किस होते रहे। जैसे ही वो दोनों अलग हुए तियांग ने जनकुक से कहा, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्यों नहीं पता चला क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हो? मैंने हमेशा ऐसा ही सोचा है कि आप मेरे फादर हो इसलिए आप मुझसे इस तरह से प्यार करते हो। मुझे कभी कभी बहुत ही अजीब सा लगता था लेकिन मैंने उस फीलिंग्स को नहीं समझा और आपको तकलीफ दिया है, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तियांग की बात सुनकर जनकुक कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी मुझे मांगना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा कभी फादर बन ही नहीं पाया। जो बनने के लिए मैं तुम्हारी मॉम से शादी किया था वो मैं निभा नहीं पाया। मैं जब तुम्हें देखा ना, जब तुम्हारे मॉम ने तुम्हें मेरे हाथों पर सौंपा है और कहा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तब मैंने तुम्हें बहुत ही फादर की तरह प्यार देने की कोशिश किया था लेकिन मेरे फीलिंग्स कुछ और ही बोल रहे थे। तुम्हारे लिए मेरे फीलिंग्स कुछ और ही था। सॉरी तियांग, मैं कभी तुम्हारा फादर नहीं बन पाया। तियांग कहता है, किसने कहा? आप मेरे फादर भी हो और मादर भी हो, उसके साथ आप मेरे लवली हस्बैंड भी हो। मैं आपको अपना सब मानता हूँ, आप मेरी फैमिली हो और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हग कर लिया और दोनों ही रोने लगे। आप वो दोनों तो एक हो गए। तो इसी के साथ इस स्टोरी को दी एंड करती हूँ। और एक ने मुझसे पूछा था कि मुझे तेकुक स्टोरी बोलने का आइडिया कहाँ से आया। जिन लोगों को नहीं सुनना है स्किप कर सकते हो, तो जिन लोगों को जानना है मैं उन लोगों के लिए बोल देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे बीएल लवर्स में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि बॉय बॉय में ये सब कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। लेकिन जब मैंने द अनटेम्ड देखा था ना, तो उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी मुझे बहुत पसंद आया था। उन दोनों के बीच में जो एक आँखों आँखों में ही प्यार होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद से थोड़ा सा बॉयज़ लव स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर देखा कि बेल जो ड्रामा है वो एक्सप्लेनेशन, उसमें वीडियो भी चल रहा था, तो देखा दो बॉयज़ जो है एक दूसरे को किस कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अजीब लगा था पहली बार। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है गाइस, दो बॉयज़ एक एक्टिंग के लिए एक दूसरे को किस कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? फिर देखा कि नहीं, रियल लाइफ में भी कुछ कपल है। तो मैंने देखा मीन गुल्फ और कुछ लोग हैं जो जिन लोगों की मुझे नाम अभी याद नहीं आ रही है, तो देखा कि वो लोग रियल लाइफ में भी कपल है और वो लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और उन लोगों की प्यार ना आँखों में दिखती है। तो प्यार से मतलब है क्योंकि ये सब कुछ ऊपर से बनकर आते हैं, तो हम लोग कौन होते हैं हेट कमेंट करने वाले, ठीक है? तो जब मैंने देखा कि 7 BTS आर्मी में बहुत सारे शिपिंग होते हैं लेकिन मुझे तेगुक में बहुत ज़्यादा लव दिखता है। आप कुछ लोग अगर कहेंगे इसे वो दोस्ती है, नहीं, वो दोस्ती से बहुत बढ़कर है। जो लोग दिखता है उन लोग को दिखाई देगा, जो लोग नहीं दिखना चाहते हैं वो लोग को नहीं दिखाई देगा, यही सच है। और मैंने देखा है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है और वो दिखता है हमेशा उन दोनों की नज़रों से, उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उन दोनों की टच करने की जो अलग से एक भाई बहन वो सब कुछ दिखाई देता है। मुझे तेकुक में बहुत ज़्यादा प्यार दिखता है और एक रियल लाइफ में कपिल के अंदर जो प्यार होना चाहिए वो हमारे तेकू के अंदर उससे भी कई ज़्यादा है। तो मुझे उन दोनों की प्यार बहुत ही ट्रू लगते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो दोनों हमेशा ही ऐसे ही साथ रहे। तो मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि क्या बोल रहे हो, लेकिन जो सच है वो सच है। पहले मैं भी इसके खिलाफ ही था लेकिन धीरे धीरे से मुझे इन दोनों को देखकर ही बेल लव स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगा। बाकी सारे बेल कपिल को तो देखा था लेकिन तेकुक को देखने के बाद ही मुझे बेल लव स्टोरी में बिलीव आने लगा। तब से ही मैंने इन दोनों की शिपिंग करना शुरू कर दिया और मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम तो बहुत ही अच्छे से कहानी बोलते हो तो बोलना शुरू कर दो, अच्छा रहेगा। तो मैंने एक्सप्लेनेशन करना शुरू किया। तो आप लोग तो जो लोग मेरे साथ पहले से हो आप लोग को पता ही होगा मैंने डॉक्टर लवर से शुरू किया था।
जो 62 पार्ट का था वो अभी मेरे चैनल पर नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया है। तो गाइस मैं अभी इस टाइम पर यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।